जय जय मिडी। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं कृष्ण कुमार सोनकर प्रयागराज से। साथियों, मैं अपने बारे में आप सबको थोड़ा से परिचय करना चाहूंगा। मैं इसके पहले एलएनडी फाइनेंस कंपनी में जॉब करता था, एज ए कैशियर के पद पर, और मेरी सैलरी वहां पर 25,000 रुपये थी। लेकिन उसी बीच में हमारे श्री गुरु सी के कुशवाहा जी जाते हैं और जेएमबीडी के बारे में हमको बताते हैं, प्लान के बारे में बताते हैं। हमको बात समझ में आती है और फिर मैं उसी समय से इसको ज्वाइन कर लेता हूँ और उस समय कुछ प्रोडक्ट परचेज करता हूँ और उस प्रोडक्ट का रिस्पांस भी हमें बहुत अच्छा मिलता है। इससे विश्वास और बढ़ता है। जब विश्वास बढ़ता है तो धीरे धीरे करके काम को भी हम बढ़ाते हैं। अवसर का समय समय पे है साथ मिलता रहा, जिसकी वजह से मैं कंटिन्यू आज तक जेएमबीडी में लगा रहा और लगा हूँ। अभी तो 2 साल बीच में कोरोना काल ने डिस्टर्ब किया, लेकिन इसके बाद से जब से दोबारा माहौल सही हुआ है, फिर से जेएमबीडी काम को लगातार कंटिन्यू दिन प्रतिदिन आगे बढ़ाया जा रहा है। और अब तो प्लान भी इतना अच्छा हो गया है कि जिससे काम करने में और भी आसानी हो रही है। साथियों, मैं इस समय जो हमारे गुरु हमारे मार्गदर्शक समय समय पे दे रहे हैं, श्री जयराम सर जी, जिनके मार्गदर्शन में हम लगातार काम को गति दे रहे हैं, उनका मैं बहुत तहे दिल से सादर प्रणाम करता हूँ, जो समय समय पे हमेशा एक एक पॉइंट को अवगत कराते रहते हैं, सफलता के सूत्र बताते हैं। ऐसे गुरु को मैं बार बार नमन करता हूँ। सीके सर जी, जो हमेशा कहीं भी रहते हों लेकिन फोन से लगातार संपर्क बनाए रहते हैं और हमको बराबर संपर्क में लेकर के जानकारी देते हैं काम करने के दिशा के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, हमें उनका तहे दिल से प्रणाम करता हूँ। रमेश सर जी, जो बहुत ही एक कुशल नेतृत्व कर रहे हैं, आज पूरे यूपी में उनका जेएमबीडी में परचम लहरा रहा है और बहुत ही अच्छे अपने स्वभाव से सरलता के साथ हम लोगों को अच्छे से अवगत कराते हैं। पंकज सर जी, जो बहुत एक अच्छे ट्रेनर हैं, मैं उनका सादर नमन प्रणाम करता हूँ। ओम सर जी, जिन्होंने इस जूम मीटिंग का शुरुआत किया और धीरे धीरे ये जूम मीटिंग आज पूरे भारत में लोगों को एक नया ट्रेंड दे रही है, नया लीडर बना रही है। मैं इसे सर को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। दद्दा जी को मैं सादर नमन प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने एक ऐसी कंपनी बनाई, जिनके मन में एक ऐसा विचार उत्पन्न हुआ कि लोग तो अपने लिए बहुत करते हैं, कमाते हैं, लेकिन हम लोगों के लिए जो है कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म दें ताकि लोग भी आगे बढ़ें और आगे अपने समाज में नाम, मन, धन और प्रगति प्राप्त कर सकें। तो जेएमबीडी के रूप में एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो हम लोगों को मिला है, बहुत ही खुशी की बात है। साथियों, जेएमबीडी का सफर 2012 में शुरुआत हुआ। 4 लोगों ने मिलकर इस सफर को शुरुआत किया, लेकिन आज 2022 में 10 साल के सफर में 4 लाख लोग हो गए। ये बहुत ही खुशी की बात है। एक चीज और हम बताएं आप सबको साथियों, कि कंपनी के लोग को प्रोफाइल, जब हम किसी कंपनी में काम करते हैं तो पहले वह कंपनी के प्रोफाइल को देखना चाहिए कि उसमें लोग कैसे हैं। तो हमको जेएमबीडी के सारे लोग बहुत ही सरल स्वभाव और ईमानदार और कर्मठ निष्ठा के साथ काम करते दिखते हैं, जिनका पूरी फैमिली इन्वॉल्व है इस जेएमबीडी बिजनेस में। ऐसी कंपनी में हमें काम करने का मौका मिला, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। और कंपनी का प्रोडक्ट जो बहुत ही अच्छा है, जिस कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा हो उसको बहुत ज्यादा किसी को मोटिवेट करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक बार वो परचेज करता है तो नेक्स्ट बार के लिए वो खुद ही उसकी डिमांड करता है।
तो कंपनी का प्रोडक्ट है बहुत अच्छे हैं, वाला है। मैंने लगातार फील्ड में इसको सेल भी कर रहा हूँ, लोगों से रिव्यू भी ले रहा हूँ, लोग इसको बहुत ही अच्छा फील महसूस करते हैं, लोगों को रिलीफ मिल रहा है, कई ऐसी बीमारियों में उनको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला जो लाखों रुपये खर्च करने के बाद वो नहीं पा सके थे, लेकिन JMBD के प्रोडक्ट से उनको मिला। इसके साथ प्लान सर, किसी कंपनी का अगर प्रोडक्ट अच्छा है, लोग अच्छे हैं तो, और प्लान अच्छा है, तो उसमें हमें वर्क तन मन से करना चाहिए। जैसा प्लान JMBD में है, ऐसा प्लान हमको लगता है भारत के किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में नहीं है, क्योंकि जब भी हम किसी के सामने प्लान देते हैं तो उनके वो अवाक रह जाते हैं कि ऐसा प्लान तो अभी तक हमने किसी कंपनी में नहीं देखा जहां पर 50% अवेयरनेस हो, 10% से लेकर 60% तक का रिटेल प्रॉफिट हो, ऐसे प्लान हमने अभी तक नहीं देखा। तो साथियों, कई तरह से इनकम JMBD कंपनी के प्लान में है, और उसके बाद पे आउट, कंपनी का पे आउट समय पर मिल रहा है, जो लोग काम कर रहे हैं उनका पे आउट भी समय पे मिल रहा है। तो ऐसे इस तरह से किसी भी इस कंपनी में काम करने में आप समझिए कि बहुत ही बढ़िया हम लोगों के लिए शुभ अवसर है, जहां पर लोग अच्छे हैं, प्रोडक्ट अच्छा है, प्लान अच्छा है और पे आउट अच्छा है, सारे चीजें समय पे हमें मिल रहे हैं। तो इस कंपनी में हम सबका सौभाग्य है, हम सब जो लगे हैं तन मन से आगे बढ़ें और इस काम को आगे बढ़ाते रहें। साथियों, नेटवर्क आज की दौर का 21वीं सदी का जो दौर है, ये नेटवर्क मार्केटिंग का दौर है। जो हवाई चप्पल से हवाई जहाज तक पे चलाने का सफर तय करने का एक मौका देता है, एक अपॉर्चुनिटी देता है, जिसके पास हवाई चप्पल पैर में वो हवाई जहाज तक का सफर कर सकता है, ये नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत है। वो अपॉर्चुनिटी JMBD में है, हमने देखा। आज के 4 साल पहले हमारी आईडी लगी थी, हमने लापरवाही की, लेकिन हमारे साथ चलने वाले लोगों ने जो आज लगातार उसमें लगे रहे हैं, आज वो लाखों रुपए की इनकम कर रहे हैं। लेकिन तन मन से लगना पड़ेगा मेरे दोस्त, ये नेटवर्क है, लोगों को लोगों से मिलाने का व्यवसाय करता है, लोग से लोग मिलाते चलो और नेटवर्क अपना बढ़ाते चलो, JMBD में धन कमाते चलो। ये JMBD का फॉर्मूला है कि JMBD एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर लोगों को गरीबी से अमीरी की ओर ले जाता है, ये हकीकत है। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी हमको मिली है तो हम इस अपॉर्चुनिटी को ना गंवाए, क्योंकि JMBD जैसा प्लेटफॉर्म अभी तक ना आया है, ना आगे आने की संभावना है। यदि इससे आप भटके तो समझे अपने रास्ते में जीवन भर भटकते रहेंगे। तो इस अपॉर्चुनिटी को हम आप सबसे आशा करते हैं कि कोई लोग मत छोड़ें। साथियों, सेल्स, अब इसमें करना क्या है, नेटवर्क में शामिल होते हैं, अपने नेटवर्क को बढ़ाइए, फिर कंपनी के रूल्स को देखिए, सेल्स करिए। बेचना जिसको आ गया वो समझ लीजिए कि दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति हो सकता है, क्योंकि आज जितने भी एडवर्टाइज आते हैं, 1 रुपए से तेल से लेकर के लाखों रुपए के प्रोडक्ट का एडवर्टाइज करते हैं, वो बड़े बड़े नायक हैं, चाहे अमिताभ बच्चन हो, चाहे ऐश्वर्या राय हो, चाहे सलमान जी हो, ये सारे लोग क्या है, सेल पे प्रचार करते हैं वो, जबकि वो एक पिक्चर बनाते हैं, करोड़ों रुपए करनी होती है, लेकिन फिर भी सेल पे प्रचार करते हैं, क्योंकि यहाँ से भी उनको करोड़ों रुपए की इनकम आती है। तो सेल का आप लोग सेल की टाइटल को सीखें, सेल को जाके जाने कि हमको बेचना क्या है, कैसे बेचना है। इसके कुछ बेसिक फंडामेंटल है। सबसे पहले आप कॉन्टेक्ट लिस्ट बनाए, जब आप जुड़ते हैं तो अपने लोगों को कॉन्टेक्ट लिस्ट बनाए, मित्रों की, रिश्तेदारों की कॉन्टेक्ट लिस्ट बनाए, और उसके बाद कंटिन्यू उस पर एनालाइज करते रहें कि हमको किसके साथ काम करना है, कैसे कब उनका समय मिल पा रहा है,
हम उनको कैसे इस बिजनेस में आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लोगों को बढ़ाएंगे तब आप अपने आप आगे बढ़ते जाएंगे। इसके साथ सौदा प्लान, आप प्लान को दिखाना मस्ट समझें, क्योंकि प्लान क्या है, प्लान आप राइट में दीजिए, लिखित में प्लान आप समझाएंगे लोगों को, पॉइंट टू पॉइंट उनको बताइए, जितना आप बता सकते हैं उतना अच्छे से बताइए, बाकी आप रिहर्सल करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए प्लान को। प्लान को जितना बढ़िया से आप सामने वाले को बता पाएंगे उतना बढ़िया आपका रिजल्ट आएगा, क्योंकि हम प्लान इनकम लिखित में अगर जनरेट करते हैं सामने वाले को, एक फिगर सामने वाले को प्रकट करते हैं, तो उससे उस पर हमारा प्रभाव अधिक पड़ता है और फिर वो जो है हमारे साथ कार्य करने के लिए अग्रसर होता है और हमारे साथ जुड़ के आगे काम करता है। इसके अलावा जिन लोगों को एक बार प्लान दे रहे हैं वो समझ गए, उनका फॉलोअप भी लेते रहिए, नहीं कि छोड़ दीजिए भैया 4 महीना उनके पास जाबे नहीं करिए बोलबे नहीं करिए, ऐसा नहीं है, आप उनका फॉलोअप लेते रहे। अगर आप फॉलोअप के साथ काम करते रहेंगे तो कभी आपसे वो बिछुड़ेंगे नहीं। ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको JMBD में है और आप अपने लोगों को आगे बढ़ा सकते हैं। कितने भी गरीब व्यक्ति हो, यहाँ तो बिना पूंजी का व्यवसाय होता है, लाखों करोड़ों कमाने का एक मौका देता है। तो अपने लोगों को जिनको शामिल करिए उनको उनका लगातार फॉलोअप भी देते रहिए। इसके अलावा गोल, आप गोल भी निर्धारित करिए कि इस महीने में हमको कितनी ज्वाइनिंग करना है, उसका लक्ष्य आप निर्धारित करिए और उसका औसत पर डे में निकालिए। नेटवर्क का मतलब है कि आज का कार्य कल थोड़ा ही प्लस में हो, लेकिन प्लस में होना चाहिए, आप आगे बढ़ते हुए क्रम में करिए। इस महीने अगर हम 10 ज्वाइनिंग का लक्ष्य लिए हैं तो अगले महीने में कम से कम 15 हो, 16 हो, इस तरह से बढ़ते हुए क्रम में अपना ज्वाइनिंग कराइए, लोगों को लिस्टिंग करिए, प्रोडक्ट सेल करिए, जितना अधिक हो सके उतना अधिक लगातार लगे रहिए और हर महीने में एक गोल करिए, उस महीने के गोल को लक्ष्य को एक एक दिन में डिवाइड करिए कि आज एक दिन में कितना औसत आ रहा है, उस औसत के हिसाब से आप काम करिए ताकि महीने में उस अचीवमेंट को प्राप्त कर सकें। इसके साथ ये नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस जो आपको रॉयल्टी इनकम देता है। अब आप यहां पर ध्यान दीजिए कि रॉयल्टी मिलती किसकी किसको हो, राइटर को रॉयल्टी मिलती है, सिंगर को मिलती है, एक्टर को मिलती है, साइंटिस्ट को मिलती है, ये रॉयल्टी मिलती है इन लोगों को, ऐसे लोगों को रॉयल्टी मिलती है, लेकिन यहाँ नेटवर्कर को भी रॉयल्टी मिलती है। बहुत सोचने की बात है। राइटर क्या है कि वो लेखक होता है, लेखक हम बन नहीं सकते, सिंगर हम नहीं हो सकते, एक्टर अगर हम नहीं बन सकते, साइंटिस्ट नहीं बन सकते, क्योंकि हम अगर उस पावदान पे नहीं पहुंचने लायक हैं, क्योंकि इन सब के लिए आपको बहुत ज्यादा अलग से प्लेटफॉर्म तैयार करने की जरूरत पड़ती है, पैसे की जरूरत पड़ती है, लेकिन आप नेटवर्कर में आने में लिए कोई पैसे की जरूरत नहीं है, आप विदाउट मनी आप एंट्री करिए और लाखों रुपए कमाइए, ये अपॉर्चुनिटी नेटवर्किंग में है। अब वो नेटवर्क अपॉर्चुनिटी JMBD कंपनी आपको दे रही है, जहां पे इतने सुलझे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, अच्छा प्रोडक्ट है, अच्छा प्लान है, अच्छा पे आउट है, ऐसी अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिली है, हम सबको मिली है, तो इसमें आप तन मन लगा कर आगे बढ़िए और यहाँ से लाखों रुपए आने वाले समय में आप रॉयल्टी उठा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आपकी टीम से काम हो रहा हो, आपके बिस्तर पर लेटे हो, आप परेशानी में हो, आप मुसीबत में हो, लेकिन आपका पैसा आना बंद ना हो, ऐसी अपॉर्चुनिटी JMBD कंपनी आपको दे रहा है। साथियों, आपकी सोच जितनी बड़ी होगी उतनी बड़ी आप अर्निंग करेंगे, ये JMBD अपॉर्चुनिटी आपको दे रहा है, एक मौका दे रहा है। बहुत लोग इसमें कहते हैं कि भैया लोग से बात करते हैं, लोग शामिल नहीं होते हैं, प्रोडक्ट महंगा है या फिर इतना समय लगेगा, ऐसा कुछ नहीं, आप अपनी सोच को आगे कर मजबूत करिए और आप एक दिन करोड़पति बन सकते हैं, इसमें कोई दुविधा नहीं है।
जैसे एक मजदूर का एक दिन की मजदूरी के बारे में सोचता है, उसके आगे कोई आगे उसका शेड्यूल नहीं होता है, और वो प्रतिदिन काम करता है, 200 400 500 जो पाता है उसी में वो संतोष है। नेक्स्ट दिन फिर वो जो है काम की तलाश करता है, फिर काम करता है। उसकी सोच सिर्फ एक दिन की दिहाड़ी की है, इसलिए वो आजीवन दिहाड़ी का काम करता रहता है, और मजदूरी से करते करते वो एक दिन स्वर्ग सिधार जाता है, लेकिन वो मजदूर ही रहता है, क्योंकि उसकी सोच आगे नहीं डेवलप होती। इसी तरह से एक नौकर आदमी, उसकी सोच एक माह की होती है, एक महीने तक की ही सोचता है कि चलो ठीक है, 10,000 रुपये महीने के अंत में मिल जाएगा, इससे ये काम कर लेंगे, वो काम कर लेंगे, 15,000 मिलेगा, 20,000 मिलेगा, 50,000 मिल जाएगा। तो एक महीने तक की सोच रखने वाला नौकर होता है, और प्रतिदिन की सोच रखने वाला मजदूर होता है, और एक दुकानदार जो छोटी मोटी दुकान चला रहा है, वो 3 महीने 6 महीने 8 महीने के बारे में सोचता है कि चलो ठीक है, अभी तो लगन का सीजन है, अच्छा पैसा कमाई हो जाएगा, फिर देखते हैं, फिर अगला कभी सीजन आएगा, नवरात्र के सीजन आएगा, फिर सेल कर लेंगे। वो उस हिसाब से ही प्लानिंग करता है, और उसी थोड़े पैसे में वो सिमट रहता है, लाख 2 लाख 4 लाख रुपये साल के कमाता है। लेकिन मेरे दोस्तों, एक नेटवर्कर ये 5 साल 10 साल के बारे में सोचता है, आगे सोचता है कि हमको 5 साल अगर इसमें हम तन मन लगा दिए तो आप समझिए कि आप करोड़पति बनेंगे, और आप सारे सपने पूरे कर सकेंगे। और यहाँ तो JMBD कंपनी आपको 17 महीने में करोड़पति बना रही है, यहाँ 5 साल भी नहीं लगाना है, यहाँ आप 1.5 साल में आप करोड़पति बन सकते हैं, ये अपॉर्चुनिटी JMBD कंपनी आपको दे रही है। ऐसे अवसर को आप लोग मत गंवाएं साथियों, क्योंकि ये दौर नेटवर्क मार्केटिंग का है, उसमें भी प्रोडक्ट बेस का सबसे बेहतर भविष्य है, और उसमें भी JMBD कंपनी का, जिसका प्लान अच्छा है, लेआउट अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छा है, लोग अच्छे हैं, ऐसी कंपनी में अगर हमें मौका मिल रहा है तो बिल्कुल मत छोड़िए। मेरे साथियों, दद्दा जी का क्या प्लान है लोगों को रोजगार देने का, वो एक उद्योगपति का प्लान रखते हैं। आज के दौर में वो हमारे आपके कंपनी के ओनर हैं, CMD हैं, उद्योगपति की श्रेणी में हैं। उनकी सोच आज के 10 साल पहले थी, जब वो एक एडवोकेट हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने एक विचार बनाया कि नहीं, मैं एडवोकेट से तो लाखों रुपये महीना कमा सकता हूँ, लेकिन मैं लोगों को कैसे लाखों रुपये महीना कमाऊं, उसके बारे में उनको एक मन में विचार आया, और उन्होंने नींव रखी इस कंपनी की आज के 10 साल पहले, और आज 10 साल बाद आज पूरे भारत में कंपनी फैल गई, और अभी भी प्लानिंग उनकी लगातार आगे बढ़ रही है। हर महीने कुछ ना कुछ नया करने के उनके दिल में आता रहता है, और हर महीने कुछ नए नए प्रोडक्ट लॉन्च होते रहते हैं। तो आप ये समझिए कि उनका विचार उद्योगपति का है, वो आने वाले समय में भारत में नंबर 1 कंपनी होगी, और उसके बाद आने वाले समय में विश्व की नंबर 1 कंपनी JMBD होगी। मेरे साथियों, ये विचार मन में रखे चलिए कि जब एक व्यक्ति के मन में इतना बड़ा विचार आ सकता है, जो एक कंपनी की स्थापना करता है, 4 लोग मिलकर स्थापना करते हैं, एक प्रोडक्ट के साथ करते हैं, लखनऊ से करते हैं, एक जिले एक एक ब्रांच से करते हैं, और आज पूरे भारत में 10 साल में उनका वर्क चल रहा है, और आज सैकड़ों प्रोडक्ट हैं, आप शायद लगभग 500 प्रोडक्ट कंपनी में हैं, और आज 4 लाख लोग कंपनी में वर्क कर रहे हैं। तो आप ये समझिए कि उनकी कितनी बड़ी विचारधारा रही हो, कितनी बड़ी सोच रही होगी, जो आज के 10 साल पहले सोचे। आज साथियों, हम लोगों के पास भी मौका है, आज इस बिजनेस में शामिल हो रहे हैं, तो दद्दा जी का तो प्लान बहुत बड़ा है कि 7 माला बिल्डिंग बनेगी, उसमें क्या है, शोरूम होंगे, FMCG का भी होगा, हेल्थ का भी होगा, कॉस्मेटिक होगा, दोपहिया होगा, चरपहिया होगा, ये आपके इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट होंगे, ये तमाम चीजें जो आने वाले समय में कंपनी के एक प्लानिंग में चल रहा है, वैसे बड़े शोरूम में जिसके जितने ज्यादा यूजर होंगे, ग्राहक हो बना ले जाएगा, जिसकी जितनी बड़ी फील्ड होगी उसकी उतनी बड़ी इनकम होगी, एक दिन की इनकम लाख लाख रुपए होगी। ये अपॉर्चुनिटी अपने पास है, ये अवसर है JMBD के साथ काम करने में। मेरे साथियों, नेटवर्कर होने का एक स्वभाव आपके अंदर होना चाहिए, लगना चाहिए कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहे हैं, आपके अंदर जोश होना चाहिए, आपके अंदर उमंग होना चाहिए और उत्साह होना चाहिए,
अभिलाषा होनी चाहिए और आशा होनी चाहिए। मेरे साथियों, अगर आपके अंदर जोश नहीं है, आपके कोई प्लान दे के चला जा रहा है, सीनियर आता है बता के चला जाता है, तुरंत तो कुछ लगा, वो जोश आया, लेकिन फिर जैसे जाते मानो उससे आप सारे भूल गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप उसके बाद सोचिए कि सर ने जो बताया इसको कैसे हम और आगे बढ़ाएं और एक नई उत्साह के साथ आगे बढ़ें और इस प्लान को जो सबने हमें बता के गए उसको हमें आगे कैसे ट्रांसफर करें, कैसे इसका डुप्लीकेशन हो, उसके बारे में आपको आगे बताना है। ऐसी उत्साह और आशा के साथ आगे बढ़ना है। और जेएमबीडी कंपनी तो एक बेहतर अपॉर्चुनिटी दे रही है, यहाँ तो अपार संभावनाएं हैं जिसमें आप लाखों रुपया करोड़ों रुपया महीना कमा सकते हैं। बाकी भी इतना लाख रुपया महीना कमाना हो तो कई लाख की पूंजी लगाना पड़ेगा, तब जाकर के बिजनेस को धीरे धीरे ग्रोथ करके आप आगे ले जाएंगे। और हो सकता है वो आगे जाए ना जाए, ये भी कोई गारंटी नहीं है। आपका शटर खुलेगा तभी उसका टर्नओवर होगा, इनकम होगी, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आप दुकान से कहा तो कोई मतलब ही नहीं। यहाँ तो आप घर में बैठे हैं, बाहर हैं, लाखों लोग आपके साथ अगर वर्कर लग चुके हैं तो सभी के पास न व्यस्तता होगी, न सभी के घर में शादी होगी, न सभी बीमार होंगे, कहीं ना कहीं से काम होता रहेगा और आपका बिजनेस होता रहेगा और आपकी इनकम भी बढ़ती रहेगी। ये है नेटवर्क मार्केटिंग, तो इसमें आप तन मन को अपने आगे बढ़ाएं, ये अपॉर्चुनिटी है। अगर आपको सफल होना है नेटवर्क मार्केटिंग में तो आप ये समझिए साथियों, संघर्ष करना पड़ेगा। इसमें कोई दुविधा नहीं है कि आप जो है आराम से बैठे बैठे सफल बन जाएंगे, क्योंकि सपने अगर करोड़ों कमाने के हैं या करोड़ों कमाने के सपनों के साथ बिजनेस में आए हैं, जेएमबीडी में अपनी आईडी लगाए हैं, तो संघर्ष करिए। जैसा सीनियर कहे उसका अनुसरण करते हुए आप आगे बढ़िए। समर्पण करना पड़ेगा, आपको समर्पित हो जाना पड़ेगा कि अब सुबह शाम दिन रात हमको 2-3 साल देना पड़ेगा, तब जा करके आप एक बेहतर करियर बना पाएंगे और आप अपने सपने को साकार कर पाएंगे। सीखना पड़ेगा साथियों, सीखना पड़ेगा, क्योंकि बिना सीखे जो है कमाया भी नहीं जा सकता। बहुत से साथी ऐसे हैं कि सीनियर से प्लान दिलवा रहे हैं, सुन रहे हैं, आज 4-4 साल की आईडी लगी हुई है, 5-5 साल से लोग जुड़े हुए हैं, उनको अपना आईडी खुद खोलने को पता नहीं, ना किसी की ज्वाइनिंग करने के बारे में पता है, ना उनको बिजनेस चेक करने के पता है। ऐसे लोग कतई सफल नहीं हो सकते। सीखना पड़ेगा मेरे साथियों, जब अगर बताते हैं कोई सीनियर तो आप अमल करिए, बल्कि कुछ पॉइंट छूट रहे तो उसको भी बाद में पूछिए, सर यहाँ ये कैसे होगा, तब आप समझ पाएंगे, तब आप आगे बढ़ पाएंगे। अपने मन से अगर सोचेंगे कि चलो ठीक है सर बताएं, जैसा बताएं हो गया, देख लेते हैं, देखिए नहीं, आप उसका प्रैक्टिस करिए, अभ्यास करिए, तब आप आगे बढ़ेंगे। और इसके साथ टिकना भी पड़ेगा, आप टिके रहिए। आप ये मत दे कह रहे यार मेरे हो गया 2 महीना, हो गया 4 महीना, हो गया मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा है, 6 महीना हो गया भी तो जेएमबीडी कर रहा हूँ, लेकिन ये है कि कुछ नहीं आगे पढ़ पाए। क्योंकि जब अगर आप 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल भर में यदि आप नहीं अर्निंग कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी लर्निंग में कमी है, आपकी प्लानिंग में कमी है, आप सीख नहीं रहे हैं। क्योंकि हमेशा सीनियर साथ नहीं लगा रहे कि जो आपको हर समय आपको प्लान देने के पहुंचेगा और आपके प्रोडक्ट के क्वालिटी के बारे में, प्रोडक्ट के यूज के बारे में वो बताने पहुंचेगा। आपको खुद उसकी लर्निंग करनी पड़ेगी और सीख करके बताना पड़ेगा अपने कस्टमर को, अपने नेटवर्क साथियों को, तब जा करके बिजनेस बढ़ेगा। बाकी तो लोग बहुत आएंगे, लेकिन सपने साकार करने हैं अगर, तो सीखना बहुत जरूरी है। मेरे मित्रों,
सीख कर कर ही हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं जो बिना सीखे किया जा सके, और जो लोग बिना सीखे करते हैं वही लोग बीच में अधूरे में छोड़ के चले जाते हैं और वो बदनाम करते हैं, अरे मैं भी तो 2 साल से लगा था, 3 साल से लगा था लेकिन कुछ नहीं हो पाया, जैसा बताते हैं वैसा है नहीं। लेकिन वो अपनी कमी को नहीं बताते कि कमी कहाँ मैंने की, अगर मैंने कमी न की होती तो आप जरूर सफल होते, लेकिन अपनी कमी को वो नहीं बताते। मेरे साथ में सीखना बहुत जरूरी। आज इसी क्रम में हमारे कुछ साथीगण हैं जिनको हम आमंत्रित भी करना चाहेंगे जूम मीटिंग में, मुझे उनको बोलने के लिए मौका देना है। वो लोग भी अपने अपने विचार रखेंगे। तो इसी क्रम में हमारे एक सीनियर साथी हैं जो बहुत ही आयुर्वेद के बारे में जानकार भी हैं, कई ऐसे प्रोडक्ट का उनका खुद का प्रैक्टिस है, माननीय राम बहादुर मौर्य जी जो प्रयागराज से ही हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं जेएमबीडी जूम मीटिंग में। वो अपना माइक उधर से अनम्यूट करें और अपने विचार को रखें, अपने अनुभव को शेयर करें। राम बहादुर मौर्य जी, हेलो। हाँ बोले सर। हेलो, जय जेएमबीडी। जय जेएमबीडी सर। जेएमबीडी में इस जूम मीटिंग में आए हुए सभी जेएमबीडी सदस्यों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। जेएमबीडी बहुत ही उत्तम व्यवस्था है, क्योंकि व्यवस्था से संबंध अगर बात किया जाए तो इसी व्यवस्था से पूरा विश्व जुड़ा हुआ है, और इस व्यवस्था को अगर हम बात करें तो मार्केटिंग, जैसे कि मार्केटिंग के विषय में बहुत सारे लोग बात करते हैं, तो उसमें एक मार्केटिंग का आता है नेटवर्क मार्केटिंग। तो नेटवर्क मार्केटिंग के विषय में लोगों का जो आज एक धारणा बनी हुई है कि नेटवर्क वाले हैं, तो इसका तात्पर्य यह है कि यह विशुद्ध मार्केटिंग है। चूंकि विशुद्ध मार्केटिंग के विषय में लोगों को एक असूझ लगता है, लेकिन जो अशुद्ध मार्केटिंग है उसके विषय में लोगों को बड़ा सरल लगता है। सरल इसलिए लगता है कि क्योंकि वो अपने आदत से मजबूर होते हैं, और आदत दुनिया की सबसे बड़ी चीज होती है जो व्यक्ति बदल नहीं पाता है, और जो बदल लेता है वो प्रगतिशील होता है, परिवर्तनशील होता है। तो हमें आज जरूरत है विशुद्ध मार्केटिंग का, जिसे हम नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं। नेट का मतलब होता ही है शुद्ध, जिसे हम विशुद्ध कह रहे हैं। तो आज इसकी परिभाषा को लोग समझ पाए तब इस कार्य में इनका प्रगति होगा। तो ऐसे जैसे कि कृष्णार्जुन ने बहुत सारी बातों को बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा सिस्टम है जो कि माननीय दद्दा जी और भी जो हमारे सीनियर्स लीडर्स हैं, इन लोगों ने मिलकर बहुत अच्छी एक योजना है जो बनाई है, और उस योजना से लोगों को एक बहुत बड़ी इनकम का स्रोत बना है। तो बहुत बड़ी इनकम का स्रोत जो है इसमें आपका पैसिव इनकम है, और पैसिव इनकम हर व्यक्ति जब तक सीखता नहीं तब तक उसका सिस्टम वो बनना नहीं पाता है। और एक जो सिस्टम ये नेटवर्क का है, जिसे हम विशुद्ध मार्केट कह रहे हैं, तो इसी में ये चीज संभव है। इसके साथ साथ में जैसा कि कृष्णा सर ने बहुत सारी जानकारी दी, तो उस पर अब उन्होंने अभी आपको बताया, लेकिन हम आपको कुछ जानकारी प्रोडक्ट के विषय में और शरीर की जो संरचना है उसके विषय में देना चाहता हूँ। जैसा कि हमारा शरीर जो है ये आपको दो सिस्टम से मिलकर बना हुआ है, जिसे हम कहते हैं कि एल्कलाइन और एसिडिक। तो एल्कलाइन की मात्रा हमारे शरीर में यदि संतुलित रहती है
तो हम बीमार नहीं होते हैं। जब हमारे शरीर में एसिडिक मात्रा बढ़ जाती है तभी हम बीमार होते हैं। तो प्रकृति में जितनी भी चीजें हमें प्रदान किया है वो सब एल्कलाइन है, और उसी का ये सब जेएमबीडी में बहुत सारी आपके पोषक तत्वों को निर्माण किया गया है। जैसे अगर बात किया जाए तो गिलोय है, पंतुलसी है, सनलकी है, स्पारुलिना है, बहुत सारी ऐसी औषधियां हैं जिसको हम ग्रहण करके एसिडिक जो हमारे शरीर में यानी अम्लता बढ़ गई है उसको दूर करके अपने शरीर को एल्कलाइन कर सकते हैं और इससे हमारी बीमारियां दूर होंगी। तो बात करते हैं कि आज जो हमारे शरीर में सबसे ज्यादा समस्या आ रही है वो असाध्य बीमारियों का आ रहा है। जैसे आप समझें कि कैंसर हुआ या शुगर हुआ, बीपी हुआ, गठिया हुआ, तमाम ऐसी बीमारियां हैं जो असाध्य हैं। लेकिन असाध्य वो क्यों है? क्योंकि हमें अज्ञानता है, और अज्ञानता को अगर हम दूर कर लें तो बीमारियां दूर हो जाएंगी। अज्ञानता क्या है कि जैसे आज मार्केट में बहुत सारी चीजें हम एसिडिक लेके आते हैं। एसिडिक से तात्पर्य यह है कि जो पैकेट बंद है उनमें बहुत सारे ऐसे केमिकल का प्रयोग किया जाता है जो खाने में स्वादिष्ट तो बहुत होता है लेकिन वो हमारे शरीर में क्या करती है, एसिड की मात्रा बढ़ा देती है। जैसे आप समझें कि मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल या रिफाइंड या इस तरीके की जो मसाले हैं मार्केट में और पैकेट बंद बहुत सारी वस्तुएं आ रही हैं, तो ये जब भी हम खाते हैं तो खाते तो हैं लेकिन उससे क्या प्रभाव पड़ रहा है इसके विषय में हम अज्ञान हैं। तो उनको करना क्या है, जैसे आप पंतुलसी की अगर बात करें तो पंतुलसी जो है हमारे शरीर को एल्कलाइन करती है। तो एल्कलाइन कैसे करती है कि जो टॉक्सिन होते हैं, विषैले तत्व होते हैं, उनको बाहर करके हमारे शरीर को एल्कलाइन बनाती है। इसी प्रकार से अगर बात करें हम तो गिलोय की, तो भी हमारे शरीर को तीन जो सिस्टम होते हैं वात पित्त कफ उनको भी संतुलित करती है, इससे भी हमारे शरीर क्या होती है एल्कलाइन हो जाती है। और इसके साथ साथ में अगर देखें कि जो हमारे शरीर का स्ट्रक्चर है जिसे हम ढांचा कहते हैं और उन्हीं ढांचाओं को में सबसे बड़ी जो शरीर का एक स्वरूप निर्धारित किया है जिसे हम कहते हैं हड्डियां, तो हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने का जो सिस्टम होता है उसे हिंदी में स्नायु कहा जाता है और उसी को लिगामेंट भी कहा जाता है। तो ये लिगामेंट वगैरह जो भी होते हैं जब एसिडिक चीज़ें बढ़ जाती हैं, जैसे हमारे यूरिन में एसिड बढ़ जाता है तो वही चीज़ है कि हमें गठिया हो जाता है या पेन हो जाता है। तो इन चीज़ों के लिए सबसे अच्छा बहुत ही रिजल्ट जिसका बहुत ही अद्भुत रिजल्ट अगर है तो वो सनलकी में है, क्योंकि सनलकी करता क्या है कि हमारे स्नायु जहाँ लिगामेंट हैं उन लिगामेंट में, कहते नहीं कि बहुत सारे गांव देहात में ऐसे भी लोगों से सुना होगा कि वो सूख रहा है, कहते हैं वहाँ का लिक्विड सूख रहा है। अब उन लोगों को लिक्विड के मतलब क्या पता है, लेकिन उसको वो पुनर्जीवित करने का कार्य करता है, क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो सेल से बनी हुई है और सेल चाहे वो मांस हो, चाहे हड्डियां हो, चाहे रक्त हो, जितनी भी हैं ये सब सेल हैं, तो उन्हें सेलों को क्या करती है, रीजनरेट करती है। क्योंकि सेल में अद्भुत क्षमता होती है कि वो पुनरुद्भवन करती है यानी पुनः वो जीवित होने का कार्य करती है। वैसे तो हमारी बॉडी में सेल मरते रहते हैं और बनते रहते हैं। तो ये इसके साथ साथ में अपने पास एक कैल्शियम है, और कैल्शियम इसलिए ज़रूरी है कि जो हमारे शरीर में लचीलापन आता है, हमारे मांसपेशियों में लचीलापन आता है, हमारे हड्डियों में लचीलापन आता है, तो कैल्शियम बहुत ज़रूरी होता है
उस लचीलापन के लिए। अगर हमारी मांसपेशियां टाइट हो जाती हैं तो वही होता है कि उसमें कोई भी लचीलापन नहीं आता है, जिससे हमारे बॉडी में पेन होने लगता है, और हमारे जो जॉइंट्स होते हैं उसमें भी पेन होने लगता है, क्योंकि वहाँ पर वो टाइट हो जाते हैं। तो लचीलापन लाने की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि कैल्शियम को प्रयोग किया जाए, और हड्डियाँ वैसे भी लचीली इसलिए होती हैं कि उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये दो तत्व होते हैं, इनसे मिलकर हमारी हड्डियाँ बनी होती हैं। तो ये चीज़ें जब हम अपने शरीर को एल्कलाइन करते रहेंगे तो ऐसी बीमारियां नहीं आएंगी, जो कि JMBD में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनका हमने प्रयोग करवाया, लोगों को बहुत अच्छा रिजल्ट मिला इसका। तो ये इसमें लिस्ट तो बहुत लंबी है, चूंकि जितने भी पोषक तत्व तो हैं ये सारी चीज़ें, लिस्ट बहुत लंबी है, और बहुत सारे लोग बताते भी रहते हैं, जैसे ओम सर हैं, अमित सर हैं, या पंकज सर हैं, रमेश सर हैं, दद्दा जी हैं, या प्रभाकर सर हैं, जयराम सर हैं, बहुत सारे ऐसे लोगों से आप लोगों को सुनने को भी मिलता होगा। तो इसलिए आप जितने भी यहाँ पर प्रोडक्ट हैं, उन प्रोडक्टों का प्रयोग करके, जरूरी नहीं है कि हम बीमार हों, क्योंकि बीमार होने पर यदि उसका निदान किया जाता है तो वो आपको कई प्रकार से क्षति पहुंचाते हैं। बीमार ना हो इसके लिए हम प्रयोग करें तो ये सबसे उत्तम व्यवस्था होती है, क्योंकि जो स्वास्थ्य हमारा है वो सबसे बड़ा धन है, कहते भी हैं लोग लेकिन करते नहीं। इसीलिए आज इतनी बड़ी समस्या बनी हुई है कि स्वस्थ व्यक्ति कोई भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उसके सिद्धांतों पर नहीं चलते हैं। सिद्धांत उसका यही है कि हम बीमार ना हों, उससे पहले हमारे शरीर में जो भी इन बीमारियों के कारण हैं, उन कारणों को हम पहले से ही क्या करें, उसके प्रभाव को समाप्त करते रहें, तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। और जब कोई व्यक्ति स्वस्थ रहता है तभी अच्छे से कार्य कर सकता है, और स्वस्थ मन और स्वस्थ तन जब होगा तभी हम किसी अच्छे कार्य को कर सकते हैं। तो ये इसका पूर्ण रूप से निदान होगा। और इसके साथ साथ में रही बात ये कि जो आर्थिक समस्या, तो आर्थिक समस्या इसलिए लोगों में है क्योंकि लोग एक रूढ़िवादी परंपरा से बंधे हुए हैं। रूढ़िवादी परंपरा क्या है कि हम जब भी कोई चीज शिक्षा ग्रहण करते हैं तो शिक्षा क्यों ग्रहण करते हैं, क्योंकि हमारा जीविकोपार्जन अच्छे से चले। तो जीविकोपार्जन अच्छे से चलाने के लिए हम क्या करते हैं कि विद्यालय में उन शिक्षाओं को ग्रहण करते हैं जो हमारे जीवन में उसका बहुत बड़ा उपयोग नहीं होता है। तो इस हेलो, हेलो, हाँ हाँ जी सर, जी बोले बोले, सर, आवाज जा रही है? जी सर, आवाज जा रही है। बोलिए। तो उन शिक्षाओं को ग्रहण करते हैं कि जिसका हमारे जीवन में उपयोग नहीं होता है, और जिन चीजों को उपयोग है उसके विषय में हम क्या करते हैं, उन शिक्षाओं को ग्रहण करने से बहुत कतराते हैं, बचते हैं। तो ऐसी शिक्षा है क्या? तो वो शिक्षा हमारी है कि हम, हेलो, हाँ सर बोले, आवाज जा रही सर? ये आवाज आ रही है बराबर। हेलो, अच्छा, इधर थोड़ा सा कुछ डिस्टर्ब लगा तो इसीलिए हमने, बाकी लोग आवाज अपना माइक अनम्यूट कर लें। तो और उन जो शिक्षाओं में जैसा आपको ये है कि ये नेटवर्क मार्केटिंग एक शिक्षा पद्धति भी शिक्षा नीति में अभी लागू नहीं किया गया है लेकिन पारित हो चुका है,
तो ऐसी शिक्षाओं को जब ग्रहण करेंगे तो उनमें क्या होगा कि लोगों को विशुद्ध मार्केटिंग की जानकारी होगी और तब जाके बेरोजगारी दूर हो सकती है। क्योंकि बेरोजगारी हर व्यक्ति चाहता है कि हम रोजगार प्राप्त करें, लेकिन रोजगार वह प्राप्त नहीं कर पा रहा है क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या है, जिस जनसंख्या के कारण लोगों को वो जो चाहत है कि सरकारी नौकरी मिले और हमको अच्छे से एक जीवन जीने का मौका मिले, तो वो चीज संभव नहीं हो पा रहा है। जैसे कि आज से अगर हम बात करें, देश के आज़ादी जब 1947 में हुई थी, उसके बाद लोगों में जब नौकरी की एक प्रचलन आई थी, तो उस समय क्या हुआ था कि लोगों को बड़ी हे दृष्टि से देखा जाता था कि नौकरी करने जा रहा है, पता नहीं इसको जीविकोपार्जन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। लेकिन आज की परिस्थितियों को देखा जाए तो नौकरी को सर्वप्रथम रखा गया, लेकिन नौकरी क्या हर व्यक्ति को मिल पा रही, नहीं मिल पा रही। यही सिस्टम सेम आपका विशुद्ध मार्केटिंग का है, जिसे हम नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं। आज लोगों को मन में यह संशय बसा हुआ है कि ये लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, लेकिन यह वक्त आ रहा है, यह समय आ रहा है कि नेटवर्क मार्केटिंग एक आपका वैश्वीकरण होगा, जिसमें इसका सर्वोत्तम स्थान होगा और जो लोग बेरोजगारी को लेकर एक समस्या मान रहे हैं तो वो समस्याएं दूर होंगी। जय जेएमबीडी। जय जेएमबीडी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही डीपली जानकारी आपने दिया। मुझे लगता है कि आज आपकी बातों से बहुत लोगों को ये मालूम हुआ होगा कि किस कारण से बीमारी बढ़ती है और कैसे हमें प्रोडक्ट का यूज करें जिससे हम बीमारी से बच सकते हैं। मुझे डॉक्टर कन्नौज से डॉक्टर अमित जी और हमारे प्रयागराज से डॉक्टर राम बहादुर वैद्य जी, ये बहुत ही शुभ संकेत है जेएमबीडी कंपनी के लिए कि कन्नौज से पूरी टीम और एक एक प्रोडक्ट के बारे में डीपली नॉलेज देने वाले डॉक्टर अमित जी, मैं बहुत बहुत नमस्कार करता हूँ, नमन करता हूँ। और आज हमारे जेएमबीडी कंपनी के डॉक्टर राम बहादुर बैद जी जो प्रयागराज से हैं, इनका भी बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूँ, जिन्होंने बहुत ही अच्छी डीपली जानकारी दी है हम सबको। अब इसी क्रम में हम आमंत्रित करना चाहेंगे नरेंद्र मोदी को, रोक सकते डॉक्टर फूलचंद जी माइक को अनम्यूट करें और आप अपने विचार को रखें। डॉक्टर फूलचंद जी। यस सर। हेलो सर। हेलो जी सर। सर आवाज आ रही है हमारी? जी आवाज आ रही है, आ रही है। हेलो, गुड इवनिंग जेएमबीडी परिवार। गुड इवनिंग सर। आज की मीटिंग में जो हमें अवसर मिला जूम मीटिंग में बात करने का, उसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ अपने मेंटर कृष्णा जी का और अपने सभी अन्य लीडर जेएमबीडी परिवार के, धन्यवाद व्यक्त। आज की हमारी ये पहली मीटिंग है जेएमबीडी में, जो भी हमारे द्वारा बोले गए शब्दों में त्रुटियां होंगी, इसलिए आप लोग एवॉइड करिएगा। सर आप बहुत प्रोडक्ट चलाते हैं जेएमबीडी का, आप गिलोय भी चलाते हैं, त्रिफला चलाते हैं, सलकी चलाते हैं, फाइल्सवेल थायराइड चलाते हैं, आप एक डॉक्टर हैं सर, आप प्रैक्टिस करते हैं, आपको इतने क्या रिस्पांस मिल रहे हैं कस्टमर से, आप इसके बारे में बताएं सर थोड़ा। ठीक है थोड़ा हम अपने बारे में कुछ इंट्रोड्यूस कर दें अपने साथियों को। मेरा नाम डॉक्टर पीसी भारतिया है, मैं बजहा गांव से बिलोंग करता हूं, जो झूसी क्षेत्र में लगाता है, विधानसभा फूलपुर। सर हम लोग
एक अच्छा अवसर मिला हम लोगों को जेएमबीटी में कार्य करने का। इस अवसर को हम सबसे पहले दादाजी को नमन करेंगे अपने मेंटर कृष्णा जी के बाद, क्योंकि हमारे लाने वाले तो हमें कृष्णा जी ही है, लेकिन उसके बाद दादाजी और जो भी सहयोगी कर रहे हैं जिन्होंने अपने साथ साथ सबको लेकर चलने का पीड़ा सबको धनवान करोड़पति बनाने का सपना देखा है, हम उनका धन्यवाद करेंगे। अगर हम लोग इस नेटवर्क बिजनेस में वास्तव में हमने देखा है सही से अगर मेहनत किया जाए लगन से, जो हमारे दादाजी ने सपना देखा है कि हम 20 महीने में या 18 महीने में अपने सभी साथियों करोड़पति बना देंगे, तो वास्तव में हम लोग करोड़पति बन सकते हैं। लेकिन दोस्तों करोड़पति बनने के लिए तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा, तो हम लोगों को रात नहीं देखना पड़ेगा, हमेशा हम लोगों को गुड मॉर्निंग कहना पड़ेगा, जो हम आज अभी गुड इवनिंग कहे हैं क्योंकि शाम का समय है, लेकिन हमेशा गुड मॉर्निंग कहता हूँ, कृष्णा जी जानते हैं। तो दोस्त नौकरी एक वक्त जैसा है जो हम किसी के अंतर्गत जाके काम करते हैं, बधे हुए होते हैं, स्रोत मिलता है, इनकम मिलता है, लेकिन वो इनकम नहीं मनता है, इनकम नहीं मिलता उसमें, हम क्या करें, तो हम लोग बधे होते हैं 30,000, 40,000, 50,000, 1,00,000 में, उसमें भी टाइम भी बाउंड होता है। यहाँ हम लोग स्वतंत्र हैं, जो चाहे वो करें, हमारा हाथ खुला हुआ होता है, बधा नहीं होता है। जेएमबीटी के पास जेएमबीटी ने जो अपॉर्चुनिटी हम लोगों को दिया है वह एक ऐसा अवसर है जिससे हर व्यक्ति को लाभ उठाना चाहिए। इसमें जो भी प्रोडक्ट है हमारे जेएमबीटी कंपनी में, जितने भी प्रोडक्ट हैं, पहली बात तो स्वास्थ्य के लिए वरदान, उसके साथ साथ धन का भी अर्जन होता है। भाई स्वास्थ्य तो ठीक ही कर रहे हैं, भाई स्वास्थ्य अगर सही है हमारा, अगर हम स्वस्थ हैं तभी तो धन अर्जन करेंगे। पैसा कमाना अलग की बात है, पैसा आएगा ये स्वाभाविक बात है, पर स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। सर समय कम है, थोड़ा से साइट में बात रखिए, अभी कई लोग बोलने वाले हैं सर। ठीक सर, ठीक ठीक, इसलिए सारी बातों को छोड़कर हम अपने प्रोडक्ट के बारे में आते हैं। हमारे पास जो भी प्रोडक्ट है एकदम जेन्युइन है, जैसे पंच तुलसी ले लीजिए, हमने पंच तुलसी लॉकडाउन में इतना निकाला, काफी लोगों को स्वस्थ भी किया। वंडर लाइफ ले लीजिए, जो हमारे शरीर को पोषक तत्व प्रदान करता है, और उसके साथ साथ इनकम भी हमको देता है। G9 ले लीजिए, G9 को मैंने बहुत किया, काफी लोग स्वस्थ हुए हैं। थायरोकेयर ले लीजिए, थायराइड का तो कितना ही जानते हैं, कई मरीजों को मैंने सही किया है थायरोकेयर और कंसल्टेंसी दे करके, पुराना से पुराना थायराइड खत्म हुआ है, आज लोग गुणगान गा रहे हैं उन्हीं के द्वारा, उन्हीं हम प्रचार कम कर पा रहे हैं, हम लोगों का कम, लेकिन उनके माध्यम से काफी लोगों के पास मैं जाया करता हूँ। तो यह हमें थायराइड है, डायबक्षक ले लीजिए, डायबक्षक से हम दूर चल जाए अपने ही क्लिनिक से, डायबक्टक
काफी मात्रा में लोग डायबिटीज से बचाया है। डायबिटीज का जो 280 290 300 के पार हुआ करता था, आज कम कंट्रोल में। स्टेमिना बूस्टर हमारा, स्टेमिना बूस्टर को भी मैंने बहुत निकाला। स्टेमिना बूस्टर में लोगों को जो इम्यूनिटी चाहिए स्वास्थ्य के लिए, एक्सटर्नल पावर प्रदान करने में सहायक हुआ है। इसकी भी सराहना लोग करते हैं जो हमारे पेशेंट हैं। मैं एलोपैथ का प्रैक्टिशनर हूँ। इसके साथ रेड एलोवेरा जैसे प्रोडक्ट ये हमारे काफी मरीजों को पाइस बेल की यहाँ तक कि पुराना, कई साल पुराना इनका पाइस जो ठीक नहीं हो रहा था, लोग परेशान होके आए। हाँ, मैंने भाई यहाँ 15 दिन 1 महीने में ही आराम मिला। 15 दिन खाने के बाद उनको रिलीफ मिलना शुरू हुआ। 3 महीने का मैंने उनको कोर्स बांधा। 3 महीने के बाद लोगों का आराम हुआ तो अपने मन से 1-2 महीने अधिक खाए। तो ये हम अपने JMBD का बहुत ही आभारी हूँ, क्योंकि हमें इनकम के साथ साथ लोगों की सेवा करने का जो अवसर प्राप्त हुआ इसके द्वारा। लोग हमारे पास जरूरतमंद लोग ही आते हैं, परेशान लोग ही आते हैं इलाज कराने के लिए। अगर हम उनको संतुष्ट करके भेज दिए, इसमें क्या, जब तक हमारा आदमी संतुष्ट नहीं होगा, हमारा पेशेंट संतुष्ट नहीं होगा हमसे, तो हमको नहीं पूछेगा। इसलिए मैं आज न सही तो अपना, अपने परिवार, यहाँ तक कि हर जरूरतमंद तक इसे पहुँचा कर मैं एक सेवा भाव ही महसूस करता हूँ। सर कुछ और साथी हो रहा है, समय को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय 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 जय। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। ये थे डॉक्टर PC भारतिया झोंसी प्रयागराज से, जिन्होंने बहुत सारे प्रोडक्ट चलाते हैं और अपने अनुभव शेयर किए, जिनका कस्टमर से काफी रिव्यू मिला हुआ है, जो सालों पुरानी बीमारियों को सही किए। तो ऐसे प्रोडक्ट के दम पर JMBD के साथियों को और मजबूती मिल रही है लगातार काम करने में। अब इसी क्रम में हम आमंत्रित कर रहे हैं विजय प्रकाश गौड़ जी, जो प्रयागराज से ही हैं, जो प्रयागराज के शांतिपुरम में स्टोर भी खोले हुए हैं। वो लगातार लोगों को सेवा कर रहे हैं। मैं उनको आमंत्रित करना चाहूंगा, विजय प्रकाश गौड़ जी। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा सर, जो आपने हमें इस जूम मीटिंग में बोलने का अवसर प्रदान किया। पहले मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। मैं विजय प्रकाश श्रॉ प्रयागराज से बिलोंग करता हूँ, और इसी के साथ हम अपने पूरे JMBD परिवार को नमस्कार करता हूँ, वंदन करता हूँ, और इसी तरह यह परिवार निरंतर बढ़ता रहे, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। और सर, हमारे जो दत्ता जी हैं, उनसे हमको समय समय पर मार्गदर्शन मिलते रहते हैं। इसके लिए भी बहुत मैं सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ और नमन करता हूँ। और इसके साथ मैं, इसके पहले सर NTPC में 15 साल जाप किया सोनभद्र में, लेकिन मैं सेल्फ बिजनेस के कारण मैं, हमारा वहां भी मन नहीं लगा। मैं सेल्फ बिजनेस करने के ही मूड से वहां भी गया था और बॉम्बे भी गया, लेकिन सेल्फ के ही कारण 15 साल करने के बाद मैं अपनी खुद की कंपनी बनाने के, मतलब कॉन्ट्रैक्टर के रूप में मैं किसी अपने बॉस के साथ काम किया और लगातार उनके साथ
12 साल कंधों में कंधा मिलाकर चलता रहा और उनको कम से कम मैं 10 करोड़ रुपए की अर्निंग के रूप में दिया और कम। उसके बाद उन्होंने कहा हमें कि 15 साल 3 साल और कर लीजिए सर, हम आपको जो है अपना पेट्रोलिंग देते थे और देते, फिर आपको मैं अपना जो है अपना एक सेल्फ जो है कंपनी बनाने का जो है एक जो नियम होता है उसको मैं आपको दे दूंगा। कचहरी में सर बयान होता है जो लोगों पर, हम कह चीज। फिर सर हमने 3 साल उनके साथ किया, लेकिन उनके बड़े बेटे जब 21 साल के हो गए तो उन्होंने जो है अपने बेटे के नाम जो है कंपनी हैंड ओवर कर दिया, कहा सर इसमें आप पेमेंट ये कर लीजिए हमारा लड़का। हम कहे सर जो है मैं हाथ जोड़ता हूँ, अब मैं जो है यहाँ मैं ड्यूटी या नौकरी नहीं कर सकता हूँ, मैं सेल्फ करने आया था, सेल्फ करने के लिए मैं बात भी आपसे किया था, इसीलिए आपने हमको उसमें रखा भी और आपका तन मन धन से मैं वर्क भी किया। फिर उसके बाद सर जो है मैं उनको विदा करके, उनको नमस्कार करके, उनको भी वंदन करके मैं वहां से चला आया और मैं फिर यहाँ एक जेएमबीडी प्लान जो है कृष्णा सर ने हमें बताया और हमें अच्छा लगा और मैं ज्वाइन कर लिया। अच्छा इसलिए लगा कि हमें ये सेल्फ करना, इस सेल्फ समय को मैं अपने ढंग से समय दूंगा, अपने ढंग से काम करूंगा और जो है इससे इनकम कमाऊंगा। और मैं इनकम भी किया सर, ऐसा नहीं, पहले फील्ड भी किया, इनकम भी किया, मैं जाता था, कमाता था, सब कुछ करता था। फिर धीरे 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 मन और भी होने लगा तो हम इसका एक स्टोर भी हम शांतिपुरम में ले लिया और लोगों की सेवा भी करना शुरू किया। हमारे पास जो प्रोडक्ट है, मैं कोई भी जो है अपना आदमी आए, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर बताए, मैं उसको डीपी रेट जो है उसको सामान दे देता हूं और सेवा करता हूं। इसी के साथ मैं सर जो है अपने प्लान को भी देता हूं, जो 24 तारीख के लोग प्लान दे रहे हैं कि हर दो आदमी सर, हर दो आदमी को जो कहते नहीं कि करोड़पति बनने का सपना लोग जो है बंद आंखों से देख लेते हैं ना, इसलिए सपना पूरा नहीं होता सर। मैं तो कहता हूँ खुली आंखों से अगर सपना देखे तो हम कहते हैं कि 100 में कितना परसेंटेज बढ़ जाएगा, ये सर जो है हमारे सीनियर साहब लोग बताएंगे कि हाँ जो है अगर खुले आंखों से सपना देखा जाए तो वास्तव में पूरा हो जाएगा। जो कहते हैं कि 1 महीना या 17 महीने में करोड़पति, वास्तव में 17 महीने में करोड़पति बना जा सकता है खुली आंखों से सपना देखने पर, अन्यथा सर बन नहीं सकता है। लोग कहते जरूर है लेकिन कर नहीं पाते हैं। करने का शेड्यूल यही है सर कि जब तक हम शाम को अपना शेड्यूल सुबह का नहीं बनाएंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, चाहे जितना भी कोशिश कर लें। और सर इसी के साथ जो 24 तारीख का फोकस है, 24 तारीख के फोकस में मैं जो है अपने जितने भी सीनियर जितने भी परिचित हैं मैं उनको आमंत्रित किया हूँ कि सर 24 तारीख को जो है लखनऊ चलिए, अपनी खुली आंखों से देखिए कि हम लोग किस कंपनी में वर्क कर रहे हैं, ताकि हम जो बता रहे हैं कहीं झूठा तो न हो, अगर हम झूठे हो जाएंगे तो फिर आप आए नहीं। इससे अच्छा कम से कम आपने प्रत्यक्ष आंखों से जब देख लेंगे तब हमारे पे विश्वास थोड़ा सा और भी आपको लगे, नहीं यार इन पर विश्वास करना चाहिए। इसलिए उन्होंने बताए उन लोगों को कि भैया कोशिश करिए, ये है मैं ये है कि मैं जरूर जो है कुछ लोगों को ले चलूंगा कि देखिए, उसके बाद फिर आप हमसे हमारे जेएमबीडी में काम करिए। और ज्यादा दिन नहीं है इसलिए हम ये 24 तारीख को मैं भी फोकस करता हूँ सर जो है, इसके लिए मैं लोगों को बता भी रहा हूँ। और सर मैं कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट को यूज किया है प्रत्यक्ष रूप से, जैसे पाइल्स बिल हुआ, पाइल्स बिल ने हम मतलब जो है हम जो है हड़िया के एक पेशेंट को दिया जो है, वो ऑपरेशन मतलब नेक्स्ट डे कराने जा रही थी लेडीज थी, मैंने कहा कि हमारी दवा ये आप 15 दिन यूज कर लीजिए, उसके बाद आप ऑपरेशन करा लीजिएगा, फिर हमको कोई दे, लेकिन आप 15 दिन यूज कर लिए आराम मिलेगा तो
ठीक है, तो आप जो उन्होंने हमारा प्रोडक्ट जो है हमारे कहने पे यूज करना शुरू किया और उन्हें जो है 10 दिन में ही रिजल्ट आना सर शुरू हो गया। और जो जो उनकी जो तकलीफें बड़ी थी पेट में या जो अभी जो खूनी जो है उसे सब धीरे 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 जो है बंद होना शुरू हो गया। और लास्ट में उन्होंने 2-2.5 महीने तक विश्वास करते करते फिर हमारे पे किया। और लास्ट में उनका ऐसा हुआ कि ये जो है जो उनकी बाबा सीट की जो शिकायत थी पैल्स की वो बिल्कुल सर ठीक हो गई। और आज भी हमारे पास फोन आता है सर, हम कह कुछ जो है कुछ 1 महीने का कोर्स और है सर, उसको पूरा कर लीजिए शायद जो है मतलब कहें ठीक है सर हम पूरा कर लेंगे। तो ये सर जो है हमको प्रोडक्टों के बारे में हम पढ़े और हम प्रयोग भी लोगों पर किया और ठीक भी हुआ, इसलिए जो है हमको 100% विश्वास है कि GMBD का प्रोडक्ट निश्चित ही कारगर होगा, लेकिन नियमानुसार करने के बाद। अगर नियम से नहीं करेंगे, अगर परहेज नहीं करेंगे तो नहीं होगा। मैं उनको परहेज भी बताया, उन्होंने परहेज भी किया, इसलिए उनको ठीक भी हुआ। जो लोगों को मैं दवा देता हूँ या करता हूँ उसको परहेज बता के तभी देता हूँ, अन्यथा हम पे नहीं। तो ये सब जो है जो भी हम लोगों को जिस भी जो है पायल बिल हुआ तुलसी हुआ इसके हमने दिया है उसका हमको रिजल्ट मिला है, लोगों ने आके हमें बताया कि ये ठीक हुए। तब सर इसी के साथ हम जो है GMBD को जो है प्रोडक्टों को जो है बहुत बहुत जो है अच्छा मानते हुए लोगों को बताते हैं। और सर इसी के साथ सभी को GMBD ज्वाइन करने के लिए कोशिश खुला इनकम भी बताते हैं कि किस तरह से इनकम आएगी सर और इनकम आने का तरीका क्या क्या है। इन्हीं के साथ सर अपने शब्दों को मैं विराम देता हूं, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी, आप स्टोर होल्डर हैं शांतिपुरम प्रयागराज में आपकी स्टोर है, आपने बहुत अच्छे से मीटिंग को अटेंड किया, पहली बार जूम मीटिंग में आपने बोलने का मौका मिला, आप बहुत अच्छे हैं। बाकी बहुत साथी हमारे छूट रहे हैं, कई साथी छूट रहे हैं, मैं उनसे क्षमा चाहूंगा, 10:10 हो चुके हैं। और मैं सबसे अपील करता हूं कि आप लोग 24 तारीख को मीटिंग में GMBD की जो मीटिंग हो रही है विजय पैराडाइज होटल में, जो एक विशाल दृश्य होगा जहां पर एक बहुत बढ़िया आप सबको सीखने समझने का अवसर मिलेगा, जिसमें माननीय श्री जिद्दा जी से हम लोग मुखातिब होंगे, डायरेक्ट उनसे फेस टू फेस बात करने का मौका मिलेगा, जिनके अपार अनुभवों को हम लोगों को साथ वो साझा करेंगे। और पूरे देश से लोग आ रहे हैं, बड़े बड़े लीडर आए हैं जिनसे हम सबको मिलने का मौका मिलेगा। तो इन सारे साथियों से मौका मत गंवाएं, आप 24 तारीख की मीटिंग में आप सब साथी अवश्य पहुंचे,